नेक्स्ट एग्जाम्पल तो ये हमें एक सिस्टम दे रखा है जिसमें एक ब्लॉक एक विस्कस लिक्विड में ऑसोलेट कर रहा है मतलब डैम्पिंग हो रहा है यहाँ पर सो फॉर आर डैम्प्ड ऑसोलेटर शोन इन द फिगर मास ऑफ ब्लॉक इस पॉइंट टू के जी स्प्रिंग कॉन्स्टेंट नाइन्टी न्यूट्रन पर मीटर दे रखा है और डैम्पिंग कॉन्स्टेंट है फोर्टी ग्राम पर सेकेंड डैम्पिंग इज फोर्टी ग्राम पर सेकेंड सीधा यूनिट है ना सो so आपको बता रहा है टाइम पीरियड ऑफ ऑसोलेशन टाइम टेकन फॉर इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन टू ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू एंड टाइम टेकन फॉर इट्स मैकेनिकल एनर्जी टू ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू तो इट्स अ डैम्ड ऑसलेशन तो सबसे पहले हम लोग इसके टाइम uh, पीरियड को कैलकुलेट करते हैं तो so, उसके लिए हमें ओमेगा डी की रिक्वायरमेंट होगी तो ओमेगा डी विल भी क्या फार्मूला है ओमेगा का सो दैट इज अंडर रूट ऑफ के बाय माइनस बी बाई टू एम होल स्क्वायर ठीक है ना तो अगर हम इन वैल्यूज को यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं तो हमें क्या क्या वैल्यूज मिलने यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 90 ओवर मास तो मास को हम पॉइंट टू लिखेंगे माइनस दिस इज बी बाई टू एम तो बी कितना है 40 ग्राम तो उसको के में कन्वर्ट करो जीरो पॉइंट जीरो फोर ओवर ट्वाइस एम तो टू इंटू जीरो पॉइंट टू का होल स्क्वायर तो आप ये देखो कि यहाँ पे ये वैल्यू आ रहा है फोर फिफ्टी और ये वैल्यू बहुत ही छोटा है तो ये नियरली कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ फोर फिफ्टी है ना इट विल बी नियरली अंडर रूट ऑफ फोर फिफ्टी तो ये ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू के राउंड होगा तो इसका जो वैल्यू आएगा ना वो आएगा लगभग 21.21 रेडियन पर सेकेंड ये ओमेगा का वैल्यू आएगा तो अब अगर हम यहाँ से टाइम पीरियड कैलकुलेट करें तो टाइम पीरियड विल बी टू पाई बाई ओमेगा आप देखो कि डैम्पिंग बहुत कम है है ना आप इसका मतलब समझो कि मैंने जो फ्रीक्वेंसी लिया है वो वो ऑलमोस्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी ही ले लिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि डैम्पिंग कम होने से बहुत ज़्यादा समय लगेगा सिस्टम के ऑसोलेशन को डाई आउट करने में लेकिन जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसलेसन है वो ऑलमोस्ट नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर ही रहेगा है ना तो ये जब आप टाइम पीरियड इसको इसका कैलकुलेट करोगे सो दैट विल बी कमिंग अराउंड ज़ीरो पॉइंट थ्री सेकेंड्स ठीक है ना सेकेंड टाइम टेकन फॉर इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन टू ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू तो ये सारे क्वेश्चन तो हम लोग जैसे रेडियो एक्टिविटी में करते हैं ना उस तरह से ही है कि वॉट इज ए टी सो ए टी इज़ ए नॉट ई टू पावर माइनस बी टी बाई ट्वाइस एम ठीक है हमें हाफ करना है तो हम ए टी को कितना पुट कर लें ए नॉट बाई टू दैट इज ए नॉट ई टू पावर माइनस बी टी बाई ट्वाइस एम तो अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ एल एन ले लें तो दैट विल बी माइनस एल एन टू इक्वल्स माइनस बी बाई ट्वाइस एम इन टू टी तो टी आ जाएगा ट्वाइस एम ओवर बी एल एन टू सो इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं तो टू मास इज़ इज़ीरो पॉइंट ज़ीरो सॉरी ज़ीरो पॉइंट टू और बी दे रखा है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फोर सो इट इज़ ज़ीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट जीरो फोर सो दैट इज़ टेन तो इट मिल टेक टेन सेकेंड टेन अभी ये वैल्यू है सॉरी दिस एलेन टू है ना एलेन टू भी तो है तो so टाइम आ जाएगा एलेन टू इज पॉइंट सिक्स नाइन थ्री मल्टीप्लाई करोगे तो सिक्स पॉइंट नाइन थ्री सेकेंड्स के अराउंड ये टाइम होगा है न और अगर हम इसका थर्ड पार्ट डील करें तो एग्जैक्टली exactly वैसा ही है बस आपको बता रहा है कितनी देर में मैकेनिकल एनर्जी हाफ हो जाएगा तो बस पावर में अभी बी टी बाई एम आएगा केवल और सारा ट्रीटमेंट वैसा ही है तो हम इसको हाफ लिख सकते हैं ई टू पावर माइनस बी टी बाई एम तो यहाँ से जो टाइम होगा वो आ जाएगा एम बाई बी एल एन टू है ना सो दिस इज 6.93 पॉइंट नाइन थ्री बाई टू सेकेंड्स इसको आप सॉल्व कर सकते yes, question, हो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा